गुड मॉर्निंग एवरी वन सो आज है जनवरी का लास्ट दिन यानी कि इकतीस जनवरी तो आज के करंट अफेयर इस वीडियो में हम देख लेते हैं और सबसे पहले शुरू करेंगे एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ में तो यहाँ हम देखेंगे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट एंड टेब्लो ऑफ पब्लिक डे परेड 2023 परेड हुई थी आप लोगों ने देखी होगी दो तरह से इसका डिसीजन लिया गया है एक तो पैनल ऑफ जजेस के द्वारा और दूसरा ऑनलाइन पब्लिक वोट के जरिए ठीक है तो अब हम देखते हैं सबसे पहले अगर देखें बेस्ट स्टेट या फिर यू टी टेब्ल्यू देखें तो ये था जजेस के अकॉर्डिंग था उत्तराखंड फर्स्ट था फिर महाराष्ट्र और यूपी सेकेंड थर्ड ऑनलाइन पब्लिक वोट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गुजरात का फर्स्ट था गुजरात का बेस्ट था उसके बाद है यूपी और महाराष्ट्र नेक्स्ट देखिए बेस्ट डब्ल्यू मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स का तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का अकॉर्डिंग टू बाय पैनल ऑफ जजेज और सीएपीएफ का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अकॉर्डिंग टू पब्लिक वोट नेक्स्ट देखें तो बेस्ट मार्चिंग कंटिनजेंट अमंग द थ्री सर्विसेज तो तीन सर्विसेज में से पंजाब रेजिमेंट सेंटर कंटिजेंट का जो मार्च था वो सबसे ज़्यादा अच्छा था अकॉर्डिंग टू जजेस और इंडियन एयरफोर्स का अच्छा था अकॉर्डिंग टू पब्लिक वोट और सी की फोर्सेज में अगर देखा जाए बेस्ट मार्शिंग तो ये था सी ए आर पी मार्शिंग कंटिजेंट और ये दोनों में ही सेम था ठीक है यहाँ पर जजेस की और पब्लिक की uh, जो डिमांड थी या फिर उनका जो वोट था सेम को गया है सी सी आर पी एफ मार्शिंग कंटिजेंट को तो ये हो गए हमारे बेस्ट मार्शिंग एंड टैबलो अवार्ड अब आ जाते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच रीजनल लैंग्वेज विल द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बी ट्रांसलेटेड थ्रू द रीसेंटली लॉन्च ई इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर ई इंस्पेक्शन या फिर ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर जो है ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की जो लैंग्वेज होती है उनको ट्रांसलेट किया जाएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी लैंग्वेज में इसका अनुवाद किया जाएगा है ना कौन सी कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में रीजनल लैंग्वेज में इसका आंसर है चार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है और ये जो आइडिया है ना कि रीजनल लैंग्वेजेस में जजमेंट्स को ट्रांसलेट किया जाए ये कहाँ से आया था मलिमत कमेटी इस्टब्लिश की गई थी 2000 में इसने सजेस्ट किया था कि कोर्ट शुड पब्लिश ऑर्डर्स इन रीजनल लैंग्वेजेस ताकि जो आम लोग हैं उन तक भी कोर्ट के ऑर्डर्स पहुंच सके जजमेंट्स पहुँच सके ठीक है अभी यहाँ देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी चीज़ें तो टोटल जज कितने हैं फिलहाल थर्टी हैं तैंतीस जजेस हैं और एक हैं चीफ जस्टिस सी सी जी आई इस समय कौन है डी वाई चंद्रचूड ये फिफ्टिय हमारे सी जी आई है पहले इंडियन चीफ जस्टिस कौन थे तो ये थे जस्टिस हरिलाल जे कनिया और फर्स्ट फीमेल जज सुप्रीम कोर्ट की कौन रही हैं फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की हमारी स्थापना कब हुई थी अट्ठाईस जनवरी उन्नीस हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था जिसमें ये बोला गया था कि सेक्स वर्क को प्रोफेशन के तौर पर दर्जा उसको दिया गया है आर्टिकल 142 के तहत इसे संवैधानिक ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने और हमने एक जजमेंट्स जो भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं 2022 के उनके लिए एक सेपरेट वीडियो भी की थी तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो आप वो देख सकते हैं थोड़े से और देखें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चीज़ें लॉन्च की गई हैं या शुरू की गई हैं तो एक है फास्टर फास्टर क्या है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया था हमारे सी जी रमन्ना ने जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेव करने के लिए रखने के लिए ठीक है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एक है सुपेस यानी कि सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एफिशियंट तरीके से चलाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गोइंग टू एस्टेब्लिस्ड इन भारत का पहला ग्रीन एनर्जी बेस्ड सो, सोलर पैनल इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही किया जा रहा है उत्तराखंड में ठीक है ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा उत्तराखंड में भी कहाँ पर रुद्रपुर बाय ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसकी कैपेसिटी होगी 500 मेगावाट पर एन ठीक है अभी यहाँ पर देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में कुछ चीजें उत्तराखंड की स्थापना as a separate state, independent state हुई थी 9 नवंबर 2000 को और यूपी से अलग करके यह बनाया गया था गवर्नर यहाँ के इस समय है गुरमीत सिंह सीएम है पुष्कर सिंह धामी कैपिटल है देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसेन ये समर्ट कैपिटल है हरिद्वार जो है ये बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में देवस्थल कहाँ पर है उत्तराखंड में एक पहाड़ी है और ये न्यूज़ में पिछले कुछ समय पहले इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इस्टबलिश किया गया इंस्टॉल किया गया है और ये कंट्री का और एशिया का लार्जेस्ट है ठीक है और बाकी प्लेसेस देखें जो उत्तराखंड में है जो न्यूज़ में हम देखते हैं तो फिलहाल सूर्यधर लेक और जोशी मठ जोशी मठ जो है वो धरती नीचे रही है इस तरह का बहुत ज्यादा न्यूज में आपने देखा होगा कि धसाव हो रहा है उस प्लेस का तो सूर्यधर लेक और जोशीमठ सिंकिंग ये फिलहाल था न्यूज में उसके अलावा इंडिया का फर्स्ट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी ये गढ़वाल उत्तराखंड में इस्टेब्लिश की जाने की बात की जा रही है थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम फ्रॉम 25 जनवरी टू सेकेंड फेब 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेल्ड इन सीबीआई के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई क्या है थर्ड इंटरपोल ंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम और ये कहाँ पर हुआ है ये पूछा जा रहा है तो नई दिल्ली में हुआ यहाँ पर देखते हैं ये तो वही प्रोग्राम है नई दिल्ली में हुआ है 25 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में यह आयोजन किया जा रहा है ऑर्गेनाइज बाय सीबीआई 2023 में थीम इसके लिए रखी गई थी ट्रस्ट इट इसे वर्चुअली एड्रेस किया गया है इंटरपोल के द्वारा और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग द पब्लिक पुलिस एज वेल एज इंटरनेशनल पुलिस फोर्सेज सीबीआई की हम बात करें तो यहाँ के डायरेक्टर इस समय कौन है सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल यहाँ आप कुछ कन्वेंशन देख लेते हैं तो रामसर कन्वेंशन जो है ये वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है बॉन कन्वेंशन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए है वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर ओजोन लेयर जो डिप्लेशन हो रहा है उसको कंजर्व करने के लिए है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से रिलेटेड है तो ये दोनों आप याद रखेंगे मीना माता कन्वेंशन जो है मरकरी से रिलेटेड है स्टॉक होम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटन्स पी आपने इन्वायरमेंट में ये चीज़ पढ़ी होगी इसके बारे में है रोटरडम कन्वेंशन ये हज़ारडस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के लिए है और बेसल कन्वेंशन जो है ये हज़ारडस वेस्ट और उनके डिस्पोजल्स के लिए ये कन्वेंशन किया गया था इंडियाज फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु इन न्यूज टू बी बिल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा उत्तराखंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है उत्तराखंड में एशिया का सेकेंड और कंट्री का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज क्या नाम है इसका बजरंग सेतु ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है कहाँ पर ऋषिकेश में ठीक है ऋषिकेश कहाँ उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला एक आ, हुआ करता था उत्तराखंड में एक ब्रिज था लक्ष्मण झूला जिसका नाम था नब्बे साल ये पुराना है तो अब इसकी जगह पर ये नया बन रहा है बजरंग सेतु लक्ष्मण झूला जो है उसे लास्ट ईयर बंद कर दिया गया था क्योंकि ऐसा देखा गया कि सेफ नहीं है फॉर पेडेस्ट्रियंस एनी हालांकि इसे पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा एक हेरिटेज के तौर पर प्रिजर्व किया जाएगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज एक बार देख लेते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है दो सौ सोलह फीट का है रामानुजाचार्य का कहाँ हैदराबाद में स्टैचू ऑफ नॉलेज सत्तर फीट का बनाया गया है बी आर अम्बेडकर का है नॉलेज है तो अम्बेडकर जी का होगा और लातूर महाराष्ट्र में इसको इंस्टॉल किया गया है स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य का स्टैचू ऑफ़ इक्वालिटी भी इन्हीं का है हैदराबाद में है स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य का जम्मू कश्मीर में है स्टैचू ऑफ पीस एक और है 151 इंच का विजय वल्लभ सुरेश्वर का राजस्थान में इंस्टॉल किया गया है स्टेचू ऑफ प्रोस्पैरिटी जो है 108 फीट का है नाद प्रभु कैंपे गौड़ा का ये स्टैचू है बेंगलुरु में इंस्टॉल किया गया है स्टेचू ऑफ यूनिटी वन मीटर का है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नर्मदा रिवर गुजरात में और विश्वास स्वरूपम ये थ्री सिक्सटी नाइन फीट का है और नाथ द्वार का राजस्थान में ये स्टैचू इंस्टॉल किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग विन द मैन सिंगल्स टाइटल मैन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन दो हज़ार तेईस में तो हमने ये वीडियो भी सेपरेट देखा था नोवाक जोकोविच ने ये जीता है वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है आरियाना साबेलिंका ने बेलारूस की है मिक्स्ड डबल्स जीता है लुइजा स्टेफनी और राफेल मेटोस ने और इन्होंने किसे हराकर ये इंपॉर्टेंट है सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हराकर इन्होंने ये मिक्स डबल्स का खिताब जीता है यहाँ देख लेते हैं टेनिस प्लेयर्स और किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं स्टेफेनोस सिपास ये ग्रीस से हैं राफेल नडाल स्पेन के हैं कार्लोस अलकराज भी स्पेन के हैं कैसपरूड नॉर्वे से हैं डेनिल मेदवेदेव रशिया से हैं एलेक्जेंडर जेरेव ये जर्मनी से हैं निक किर्ग्योस ऑस्ट्रेलिया से सुमित नागल हमारे भारत से हैं इगा स्वायतिक पोलैंड के आरियाना सबेलिंका ये बेलारूस से एरिना रबिकिना ये हैं कजाकिस्तान की ओंस जैब्योर ट्यूनिशिया से कैरोलिन गार्सिया फ्रांस से कोकोजॉफ ये यूएस के एम्मा रदुकानू ब्रिटेन के हैं और बारबोरा क्रिजिकोवा और कैरोलिना प्लिसकोवा ये दोनों ही चेक रिपब्लिक से प्लेयर हैं टेनिस प्लेयर समाधान इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग समाधान इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गोदरेज के द्वारा और ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन सेंटर है फॉर ऑयल पाम फार्मर्स अंडर इट्स ऑयल पाम बिजनेस ये जो वन स्टॉप सोल्यूशन सेंटर है ये फार्मर्स को प्रोवाइड करेगा नॉलेज टूल्स सर्विसेज सोल्यूशन टू फार्मर्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के द्वारा ये आ, लॉन्च किया गया है शुरू किया गया है ये जो है फर्स्ट कंपनी इन इंडिया है टू अवॉर्डेड अ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अंडर द इंडियन सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क ठीक है तो ये भी आपको ये फैक्ट याद रखना है यहाँ हम देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में हमेशा न्यूज में रहती है संस्था नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं इस समय है नरेंद्र मोदी वाइस चेयरमैन कौन है श्री सुमन बेरी सी है परमेश्वरन अय्यर और यहाँ पर दो इंडेक्सेस आपके लिए मेंशन किए गए हैं 2023 में जो पब्लिश हुए हैं तो सबसे पहले हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 इंडिया की रैंक इसमें एटी फिफ्थ है ठीक है टॉप किया है जापान ने सिंगापुर और साउथ कोरिया सेकंड रहे हैं थर्ड रहा है जर्मनी और स्पेन इसके अलावा 2023 में एक और जो है इंडेक्स वो पब्लिश हुआ है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक सौ रहा है स्थान भारत का नॉर्वे रहा है टॉप पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये पब्लिश किया है जर्मन वॉच ने इंडिया की रैंक इसमें रही है एट और टॉप किया है डेनमार्क और स्वीडन ने निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम लॉन्च बाय ऑफ द फॉलोइंग निधि आपके निकट 2.0 पॉइंट ये जो प्रोग्राम है ईपीएफओ के द्वारा लॉन्च किया गया ई पी क्या है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ई पी एफ ओ एक इंस्टीट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सेटअप किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और उन्नीस सौ इक्यानवे में इसकी स्थापना हुई थी बाय एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेजिडेंट तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसकी स्थापना हुई थी ई पी एफ ओ की कुछ और स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं जो न्यूज़ में थी फिलहाल तो सबसे पहले शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम ये लॉन्च किया है पेप्सिको फाउंडेशन और केयर ने कहाँ से लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल से और इसका एम है टू रीच आउट टू मोर देन फोर्टी एट थाउजेंड वुमेन मैन एंड चिल्ड्रेन एंड इनडायरेक्टली बेनिफिट वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इंडिविजुअल्स फिर नीति आयोग के कुछ प्रोग्राम हैं जैसे एम सी बी एस ई और इंटेल इंडिया ये मेनली शुरू किया गया, गया नीति आयोग के द्वारा टू चेंज इन एजुकेशन सेंटर और टू ब्रिंग अ चेंज इन द एजुकेशन सेक्टर बाय एम्बेडिंग फ्यूचर स्किल्स सच एज ए आई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टिंकरिंग इन फॉर्मल करिकुलम फिर एक है स्टेम स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम इन एशिया ये लॉन्च किया है यूनेस्को और सोल्वे ने सोल्वे है एक बेल्जियम मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी तो स्टेम जो है भारत में तो शुरू हुआ ही था इसके अलावा ये एजुकेशन प्रोग्राम एशिया में लॉन्च किया गया यूनेस्को और सोल्वे के द्वारा हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो इसके ब्रांड एम्बेसडर लिखत जरीन को बनाया गया है इंडियन बॉक्सर हैं ये युवराज सिंह जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर हैं फॉर थर्ड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड 2022 और ऋषभ पंत ये हैं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर निखत सरीन आप यहाँ इनको देख सकते हैं यहाँ हम कुछ और ब्रांड अम्बेसडर देखें तो सूर्य कुमार यादव अरबन गबरू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लियोनल मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड अम्बेसडर है मनिका बत्रा और पलक कोहली ये एडिडास की ब्रांड अम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली बंधन बैंक के युवराज सिंह के, रविंद्र जडेजा किनारा कैपिटल के अमिताभ बच्चन अपग्रेड फुटवेयर कंपनी वीकेसी और एम इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, शाहरुख खान थम्सअप पेप्सी ह्यूनडे और फ्रूटी के दीपिका पादुकोण अमेरिकन फर्नीचर रिटेल ब्रांड के की ब्रांड एम्बेसडर हैं अनुष्का शर्मा फुटवेयर एप्रेल एंड एक्सेसरीज ब्रांड पूमा इंडिया की कैटरीना कैफ जो हैं ये ब्रांड एम्बेसडर हैं पेप्सिको इंडिया पैकेस्ड वाटर ब्रांड एक्वाफिना प्रसून जोशी ब्रांड एम्बेसडर हैं उत्तराखंड के विराट कोहली इंडियन टेक ब्रांड नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर हैं इसरो गोइंग टू लॉन्च आदित्य एलवन इन जुलाई अगस्त 2023 ट्वेंटी थ्री फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ तो इसे सन के एक्सप्लोरेशन के लिए इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है जुलाई अगस्त 2023 में आदित्य एल तो 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 वन ठीक है इसरो गोइंग टू लॉन्च आदित्य एलवन कब 2023 में जुलाई अगस्त और फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ सन मून के लिए हमारा कौन सा है चंद्रयान वन टू थ्री गगनयान जो है दो में लॉन्च किया जाएगा वीनस के लिए है शुक्रयान दो में लॉन्च किया जाएगा और मार्स के लिए है मंगलयान जो कि पांच नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था अब ये लास्ट में हम आ गए हैं आपके लिए क्वेश्चन है विच ऑफ द तो फॉलोइंग कंट्री गोइंग टू तो होस्ट ब्रिक्स समिट 2023 ब्रिक्स सम्मेलन जो होने वाला है 2023 में उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा यूक्रेन कनाडा साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया इसका सही आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो जय हिंद